कवरेज के दौरान पत्रकार साथियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इंदौर प्रेस क्लब और विश्व संवाद केंद्र इंदौर इकाई के साथ मिलकर इंदौर प्रेस क्लब में सभी फील्ड पत्रकारों को सेफ्टी गॉगल, गमछा, सैनिटाइजर और काढ़ा उपलब्ध कराया गया। इस दौरान संघ के कार्यवाहक विश्व संवाद के अध्यक्ष शैलेंद्र महाजन और सागर चौकसे सहित प्रेस क्लब के पदाधिकारी उपस्थित थे। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी ने बताया कि मुझे इस बात की खुशी है कि शहर में कोई तो है जो फील्ड के पत्रकारों के स्वास्थ्य की और उनकी परेशानियों को ध्यान में लिए हुए है। इसके पहले भी इंदौर प्रेस क्लब द्वारा लगभग 800 पत्रकार साथियों को कच्चा राशन उपलब्ध कराया। साथ ही लॉकडाउन के पहले दिन से लगातार इंदौर प्रेस क्लब के पदाधिकारी फील्ड पत्रकारों के लिए भोजन एवं पीपीई किट उपलब्ध करा रहे हैं। सर, लगातार प्रेस क्लब के माध्यम से जो सदस्य हैं, पत्रकार साथी हैं, उनके लिए समय समय पर सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। आज भी जो उन्हें गमछा और अन्य सामग्रियां वितरित की गई है, सर किस तरह का सर लगातार प्रेस क्लब प्रयास कर रहा है? देखिए, मैं पहले दिन से यही बात बोल रहा हूँ पत्रकार साथियों से। मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि आप कवरेज के दौरान, अपने दायित्व के निर्वहन के दौरान, अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इसी कड़ी में आज विश्व संवाद केंद्र की इंदौर इकाई के साथ मिलकर यह आयोजन किया गया था। हमसे बहुत दिनों पहले विश्व संवाद केंद्र के साथियों ने आग्रह किया था कि वे पत्रकार साथियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उन्हें सेफ्टी गॉगल, गमछा और काढ़ा उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो आज शैलेंद्र जी महाजन, जो संघ के कार्यवाहक हैं, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता और सागर जी चौकसे सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में आज पत्रकार साथियों को, जो विशेषकर जो साथी फील्ड में लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, फील्ड में रहते हैं, उनके लिए आज जो है ये किट उन्हें प्रदान किया गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि चलिए, इस शहर में ऐसे लोग तो हैं जो पत्रकार साथियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ना कहीं हम इनका ध्यान रखें, इन्हें आखिर परेशानी आ रही है तो सोच रहे हैं हमें। जैसे प्रेस क्लब, आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रेस क्लब ने पिछले 50 दिन में कई बार अपने सोर्सेस से और जो प्रेस क्लब के शुभ चिंतक हैं उनके माध्यम से पत्रकार साथियों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराए, उनके माध्यम से ग्लव्स उपलब्ध कराए, पीपी किट उपलब्ध कराए, जो भी जरूरतमंद साथी है उसे हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक हम 800 से ज्यादा साथियों को राशन उपलब्ध करा चुके हैं। लगातार हमारा ये प्रकल्प जारी है। मतलब ये मैं बता के कोई ये नहीं कि प्रेस क्लब कर रहा है, तो हमारा नैतिक दायित्व है क्योंकि पत्रकार साथियों से हम जुड़े हुए हैं और हम ये प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए नहीं कर रहे हैं। हम जो पत्रकार साथी हैं शहर में, उनकी भी जितनी हमसे मदद हो सकती है, हमने अपने वरिष्ठ साथियों को जो प्रेस क्लब तक नहीं आ सकते थे उनके घर भी हमने कहा कि आपकी मदद, अगर आपको आवश्यकता है तो हमारे साथी आपकी मदद के लिए आपके घर भी आने को तैयार है। इसी तरह जो साथी फील्ड में सक्रिय हैं, लगातार हमारे कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष दीपक कर्दम लगातार उनसे संपर्क करते हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं, उन्हें ग्लव्स उपलब्ध कराते हैं, मास्क उपलब्ध कराते हैं। हेमंत शर्मा उनके साथ संपर्क में, अभिषेक मिश्रा संपर्क में, तो लगातार मतलब एक मदद का भाव बहुत अच्छा विकसित हुआ है कि जो भी साथी है इन्हें पूरी मदद की जाए। ओ देश में तू जीता रे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।